लोगों को अंदाजा है कि कितने मुश्किलों से हम महंगाई कंट्रोल करके बैठे हुए थे और उस सबके बावजूद हमारी इकॉनमी ऊपर जा रही थी तो इन्होंने इकॉनमी को भी नीचे ले आए महंगाई आसमानों पर ले गए और सबसे खतरनाक चीज कि आगे अब अंधेरा नजर आ रहा है इन्होंने यह बताया कि जी आईएमएफ का प्रोग्राम आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा रुपया मजबूत हो जाएगा तो यह एक, एक सवाल आपसे करेंगे

जब तक एक चीज नहीं होती कुछ भी नहीं हो सकता और वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखिए इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ी हुई है अब अगर आज मैं इन्वेस्टर हूं या मैं अच्छा मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूँ या मैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर हूँ मैं सोचूंगा कि मेरे लिए बेस्ट तरीका क्या होगा पैसे अपने बनाने का मेरे लिए सबसे बेहतर तरीका जिस तेज़ी से करेंसी हमारी गिरी है सबसे तो कि मैं डॉलर खरीद लूं और मैं डॉलर खरीद के रख लूं क्योंकि डॉलर हर रोज आईएमएफ के प्रोग्राम के बावजूद ऊपर जा रहा है और वो ऊपर क्यों जा रहा है मैं ये देख रहा हूं कि एक्सपोर्ट्स हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री बीस बंद है आप अप्रैल के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री वालों से पूछे उनको लेबर शॉर्टेजेस थी उनको लेबर नहीं मिल रहा था आज 20 परसेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई है 50 परसेंट मोटर इंडस्ट्री और वो, वो जो है मोबाइल फोन वो बंद हो गई है आगे मजीद और उनको खतरा है कि आगे जिस तरह जा रहे हैं लोग इन्वेस्ट ही कर रहे हैं और फिर सबसे बड़ा मसला क्या है कि मुझे यही नहीं पता कि यह हुकूमत एक महीने के, के लिए रहेगी दो महीने के लिए छह महीने के लिए वो किसी को भी नहीं पता देखिए जो मार्केट है वो सब चीजें बर्दाश्त कर सकती है लेकिन इंस्टेबिलिटी अनसर्टिनिटी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आता है रुपए पे और जब अगर मैं ये देखूं कि मेरी एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं मेरी रेमिटेंसेस भी गिर रही हैं तो मुझे तो आगे नजर आ रहा है मार्केट को तो नजर आ रहा है कि आगे रुपए के ऊपर और प्रेशर पड़ेगा हमारे पास तो और कोई तरीका ही नहीं है हमारा हमारा शॉर्ट फॉल क्या है समी हमारा शॉर्ट फॉल है अब थर्टी बिलियन डॉलर जो हमने फाइनेंस करवाना है आई एम एफ आई डी ए डी बी और वो वर्ल्ड बैंक में लें वो ज्यादा से ज्यादा हम सात अरब डॉलर ये अब आ जाएगा तो बाकी पैसा किधर से आना है आज पाकिस्तान का रिस्क वो एक फिगर में पड़ रहा था ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन परसेंट हो गया है एक में पड़ रहा था वो तकरीबन तीस परसेंट पर पहुंच गया है और अगर हमारा इतना हाई रिस्क है आज हमारा यूरो बॉन्ड वो 40 परसेंट पर डिस्काउंट हो रहा है तो किसने पैसे देने हैं तो जब इन्फ्लोज भी नहीं आनी डॉलर शॉर्टेज भी है लाइबिलिटीज़ नहीं मीट करनी तो प्रेशर तो रुपए पे पड़ते जाएगा इसमें शॉर्ट इस इसमें सिर्फ हाल ही एक है पोलिटिकल स्टेबिलिटी जब एक गवर्नमेंट आती है एलेक्ट होकर पाँच साल के लिए लोगों को कॉन्फिडेंस होता है फिर वो प्लानिंग करते हैं वो तभी आप सारी आपकी इकोनॉमी उधर से चलनी शुरू होगी अच्छा थैंक यू वेरी मच समी खान साहब मैं आपको एक फिगर बताता हूं कि सितंबर के महीने में पाकिस्तान की करेंसी वर्स्ट करेंसी इन द वर्ल्ड थी और जो है इस साल श्रीलंका के बाद पाकिस्तान की करेंसी वर्स्ट करेंसी इन द वर्ल्ड थी और जब से आपकी हुकूमत खत्म हुई है उस वक्त से साठ रुपया डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है जो थर्टी थ्री परसेंट था दूसरा यूरो बॉन्ड जो है जब आपकी हुकूमत की फरवरी इसी साल आपने नौ फीसद पे जारी किया था और इंटरनेशनल मार्केट से एक अरब डॉलर रेस किया था और उसके अगले महीने हुकूमत खत्म हुई जैसे ही नो कॉन्फिडेंस आया वो नौ परसेंट से पंद्रह फीसद हुआ और अब चालीस फीसद हो गया तो ये बहुत होशरुबा चीजें हैं आप बत, मुझे बताएं कि कौन देगा पाकिस्तान को कर्जा जब 40-40 फीसद पे जब आपके बॉन्ड चले जाएंगे मेरे पैनल में इस वक्त दूसरे हैं फसी मंगी ये ब्लूमबर्ग से हैं ओवर टू यू फसी आ, आप अपना सवाल कर सकते हैं फसी अनम्यूट कर लें अगर आप हैं कॉलोजी साल खान साहब माई क्वेश्चन टू यू इज अगर आपकी हुकूमत आती है जी प्राइसेस एज यू डेट इन एपल एंड देखिये फसी आ, पहले तो एक मैं बेसिक आपको प्रिंसिपल बता दूं हमारी गवर्नमेंट का प्रिंसिपल यह था कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड ना किया अगर हमने वेल्थ क्रिएशन ना की तो जो पाकिस्तान का कर्जा है वो तो बढ़ता जा रहा है अब यानी जो हमारा जो कर्जा है वो तो कांस्टेंट है ना उसके ऊपर तो सूद देना पड़ेगा तो वो अगर आपने वो सूद देना है और कर्जे को उतारना है बोझ उतारना है तो इकॉनमी एक्सपैंड किए बगैर आप कर्जा कैसे वापस करेंगे अब हो क्या गया है और मैं आपको मैं बार बार एक चीज़ कहता हूं और मैं इसलिए ये कहता हूं क्योंकि हमें नज़र आ रहा था जब ये नो कॉन्फिडेंस मूव चली और ये हमें पता चलना शुरू हुआ कि साजिश चल रही है हमारी गवर्नमेंट को गिराने के लिए तो जो पावर है यहाँ एस्टेब्लिशमेंट जाहिर है उनके पास आ, उनकी एबिलिटी थी रोकने की इसको तो क्योंकि उनके पास तो इन्फॉर्मेशन आ ही रही थी ना उनके एजेंसीज के जरिए तो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि क्या मूव चल रही है मैंने बड़ा क्लियरली बताया कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो प्रॉब्लम आया हुआ है कमोडिटी सुपर साइकिल का जो एनर्जी प्राइसेस ऊपर गए हुए हैं ये दुनिया का प्रॉब्लम है इस वक्त अगर पॉलिटिकल डिस्टेबिलाईजेशन हुई कोई भी ये इकॉनमी नहीं संभाल सकेगा खास तौर पे ये लोग ये याद रखें ये दो पार्टीज जो शुरू में मुजम्मल ने बात की साठ साल में आधा वक्त इन्होंने हुकूमत की है आधा वक्त मिलिट्री डिक्टेटर्स ने किया आधा वक्त इन्होंने किया आयरोनिकली मिलिट्री डिक्टे इसके दौर में बेहतर हालात थे ये दो जब आए हैं इनकी दौलत बढ़ गई है, कर्जा आ, आ, मुल्क नीचे चला गया कर्जा ऊपर चला गया और उनकी दौलत बढ़ गई है ये उठा के देख लें नाइन्टीज के बाद बांग्लादेश भी हमारे से आगे निकल गया हमारे साथ हिंदुस्तान आगे निकल गया उससे पहले डॉक्टर इशर हुसैन ने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान हमेशा सब कॉन्टिनेंट में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा था अब हमने वार्न किया कि इनमें कोई एबिलिटी नहीं है अभी मुजम्मल ने बताया कि क्राइसिस कब आए जब इनकी हुकूमत आती है क्राइसिस आ जाता है इन्होंने जब हमें दो हज़ार मैं आप सब के लिए फंसी आपके लिए भी देखिए इन्होंने कहा कि हमने बड़ी इनके लिए मुश्किल मुक्त छोड़ के गए वो मफ्ता भी और शबाज शरीफ भी के बारूदी सुरुगे हम इनके लिए खोल के गए यानी कहने की ये कोशिश कर रहे थे कि हमने बड़ा मुश्किल वक्त छोड़ा है दो हजार अठारह को देख लें कि हमें क्या पाकिस्तान मिला था इनको देख लें कि अप्रैल जब नो कॉन्फ्रेंस मार्च में इन्होंने टेबल की थी तब इनको कौन सा पाकिस्तान था 2018 के अंदर हमारे हम, हमारे पास टोटल रिमिटेंसेस उस साल 19 बिलियन डॉलर्स थी 19 अरब एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर की थी कर्जा करंट अकाउंट डेफिसिट बैरूनी कर्जा बीस अरब डॉलर का था जब हम आ, 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 जब इन्होंने नो कॉन्फिडेंस टेबल की अच्छा रिजर्व तब थे कोई आठ या नौ अरब डॉलर के होते जब ह, इन्होंने नो कॉन्फिडेंस टेबल की उस वक्त हमारे रिजर्व थे सिक्सटीन बिलियन हमारा जो रिस्क फैक्टर था वो पांच परसेंट था हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो रिकॉर्ड थर्टी टू बिलियन की थी हमारा जो रेमिटेंसिस थी वो 31 बिलियन की थी और डिस्पाइट कमोडिटीज सुपर साइकिल इनके दौर में याद रखें तेल बड़ा सस्ता था हमारा डिस्पाइट 16 बिलियन डॉलर का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था तो ह, वो उस पाकिस्तान को मुकाबला करें जो ये छोड़ के गए थे तो इनको तो उसके बाद बड़े अच्छी कंडीशंस मिली थी उन्होंने उधर से किधर पाकिस्तान को आज पहुंचाया आज आप सारे देख लें आईएमएफ uh, की प्रोडिक्शन देख लें वर्ल्ड बैंक की देख लें वो सब प्रोडिक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान सोशल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है एक तरफ इकॉनमी श्रिंक ग्रोथ रेट कम होगी उन्होंने तो प्रोडिक्ट किया मेरे ख्याल में पॉइंट तो ग्रोथ रेट और फिच ने प्रोडिक्ट पॉइंट सिक्स तो छः से पॉइंट सिक्स बेरोजगारी और दूसरा वो महंगाई जो है पाकिस्तान में वो रिकॉर्ड है और वो कह रहे हैं अभी और अभी बिजली और महंगी होगी अकॉर्डिंग टू आईएमएफ डिस्पाइट लिविंग दम ए बेटर इकोनमी इन्होंने हालात आज पहुंचा दिए और आउटलुक ब्लीक, ब्लीक कर दी है अच्छा खान साहब मैं आपको आप सबको बताता चलूं कि जब आपकी हुकूमत का आखिरी दिन था तो सोलह रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत थी और चार से साढ़े चार रुपए हालांकि कमोडिटी साइकिल तेल की कीमत हाईएस्ट लेवल पे थी कोल की कीमत हाईएस्ट लेवल पे थी एलएनजी हाईएस्ट लेवल पे थी उसके बावजूद आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मंथली आता था चार रुपए पर यूनिट के हिसाब से इस हुकूमत ने आते ही तारीख की सबसे महंगी एल खरीदी और फिर इन्होंने क्या किया जून और जुलाई में इतना ज्यादा तेल मंगा लिया हालांकि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस था इन्होंने पीक प्राइसिस पे तेल मंगा लिया जिसकी वजह से अभी मौजूदा ना सिर्फ पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट में तीस फीसद नीचे आ गई हैं इनको नीचे करनी चाहिए थी उसके अलावा जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आप चार रुपए यूनिट का दे रहे थे वो ग्यारह रुपए यूनिट के था। और आज सार्फीन को पचास रुपए यूनिट जो है बिजली के पड़ रहे हैं आपके दौर में टैक्स समेत चौबीस रुपए पच्चीस रुपए पड़ रहा था दूसरी बात जो आपने अभी इंपोर्ट की, की आपके जो आपके जो पिछले साल जो करंट अकाउंट सारा जो है जब आप छोड़ के गए थे तो नौ महीने में साढ़े अरब डॉलर आखिरी तीन महीनों में इन्होंने पांच अरब डॉलर किया तो इन्होंने आखिरी तीन महीने में जब कमोडिटी प्राइसेस नीचे जा रही थी लेकिन ये खसारे को कंट्रोल नहीं कर सके और पाकिस्तान का सैंतालीस फीसद क्योंकि कमोडिटी सुपर साइकिल था इंपोर्ट का वो सिर्फ तीन चीजों पे खर्च हुआ था वो खुर्दनी तेल ये जो खाम तेल और पेट्रोल और तीसरी चीज वैक्सीन तो अगर आप उसको निकाल दें तो इस साल भी आपका करंट अकाउंट सरप्लस था अब खान साहब थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स की तरफ आना चाह रहा हूं हमारे साथ ऑनलाइन सिद्दीक जान भी हैं वो आपसे कुछ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डाल दें जी ओवर टू यू सिद्दीक जी बहुत शुक्रिया खान साहब मेरा सवाल यह है कि बहुत ज्यादा पे इस बात पर तंकीद होती है कि कुछ ही हफ्ते पहले आपने फ्री फ्रियादी साहबा के प्रोग्राम में कहा था कि आर्मी चीफ कोई भी आ जाए इससे आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन अब आप कह रहे हैं कि इनको आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए देखिये मैं मुझे हैरत होती है वैसे इन, इन, इन करप्ट फैमिलीज ने इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को बैंक करप्ट नहीं किया इन्होंने करप्शन को एक्सेप्टेबल करवा दिया जो कि एक माशरे की तबाही है लेकिन उन्होंने जो सबसे सब बड़ा जुल्म किया ना इन्होंने हमारी जो इखलाकियात है ना एक मुल्क बेसिकली चलता है मॉरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर मैं मेहनत क्यों करूं अगर मैं अगर माशरे में करप्शन को आप अलाउ कर देते और बुरा नहीं समझते तो क्यों कोई आदमी पंद्रह पंद्रह घंटे काम करके मेहनत करके करे सो जो बेसिस होती है ना सोसाइटी की वो अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है अमर बलमाफ वह अनल मुनकर यानी अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ जहाद करो माशरा मॉरल स्टैंडर्ड्स के ऊपर चलता है मैंने अपनी यूनिवर्सिटी डेज से लेके कोई 20 साल क्रिकेट की वजह से मैंने वह मगरबी माशे अंदर से देखे हुए हैं आप यकीन करें कि जो अगर मुझे कहे ना दो फर्क क्या है क्यों वो ऊपर हैं क्यों हम नीचे हैं दो क्या चीजें हैं एक वहां का रूल ऑफ लॉ है कोई कानून से ऊपर नहीं है बोरिस जॉनसन बाहरी अक्सरित के बावजूद एक चीज पर निकला है कि उसने जब सोशल डिस्टेंसिंग थी कोविड 19 के दौरान उसने एक गेट टुगेदर कर लिया अपनी डाउनिंग स्ट्रीट में इस चीज के ऊपर उन्होंने कहा कि लोगों को कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग और जरा लीडर ने देखें उसने वो अपना ही बना हुआ कानून तोड़ा है नोवा ने जब लॉ और ये ये बहुत बड़ा रूल ऑफ लॉ जो है ये इंसान के माशरे और जानवरों के माशरे में फर्क ही रूल ऑफ लॉ है सो नंबर वन वहां रूल ऑफ लॉ है वहां कोई तस्वर नहीं कर सकता कि एक आदमी लंडन में बैठा हुआ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे एक रसीद नहीं बता सकता पैसा कि पैसा किधर से आया है कभी कोई झूठ बोलता है कभी कोई झूठ बोलता है झूठ बोल के बाहर भाग गया दूसरी दफा झूठ बोल के बाहर भाग गया पहले दफा उसने कहा कि मैंने कोई मुआदा नहीं किया था जनरल मुशरफ से जब यह बाहर भागा था सऊदी अरेबिया वो सऊदी शहजादे ने आके महिदा दिखा दिया था अब फिर बाहर गया कि मरने लगे जी सौ बीमारियां हो गई फिर बाहर चला गया और इसके भाई जो प्राइम मिनिस्टर एफिडेविड इसने अदालत में दी थी कि जी ये वापस आ जाएगा अब वो आदमी मुझे जरा सिर्फ उस माषरे का ये बता दें कि क्या हमारी मोरालिटी होगी कि एक इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की कौन फैसला करेगा एक मफरूर एक झूठा आदमी एक करप्ट आदमी एक बिलियंस बिलियंस उसके बाहर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं उसके और उसके बेटों की कोई जवाब नहीं दे सकता कि कितने से पैसा आया वो आदमी जो कन्विक्टेड है सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया वो फैसला करेगा कि आर्मी चीफ कौन बनेगा या यह जरदारी फैसला करेगा जिसके ऊपर करप्शन की किताबें हैं उस वक्त जब भी और अनफॉर्चुनेट इनको बचाया गया है जो भी वजह है इनको बचाया गया नहीं तो ये कोई भी महजब माशरे में अभी तक जेल में होते अब ये दो आदमी मुझे सिर्फ ये समझा दें कि क्या ये कौम अगर ये फैसला करते हैं इतने इंपॉर्टेंट अहदे के ऊपर किधर रह गई हमारी इस मुल्क की अखलाकियात हम क्या हम बनाना रिपब्लिक और हमारे में क्या फर्क है जब हमारे में अच्छे और बुरे की तमीज ही खत हमने इनको एक्सेप्टेबल बना दिया यहां से जा रहे हैं वजीर कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं एक मफरूर के साथ तो चोरी में बुरी चीज क्या है मेरा अगला सवाल यह है कि अगर आपने यही करना है तो जेल खोल दें ये गरीब लोगों क्यों जेलों में डाला हुआ है क्यों उनकी सिर्फ जुर्म यह है कि वो छोटे चोर हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीज़ पे आज से पंद्रह सौ साल पहले कहा था कि कौमें तुम्हारे से पहले कौमें तबाह हो गई जो बड़े चोर को पकड़ते नहीं हैं और छोटे चोर को जेल में डाल देते हैं ये हमारा नंबर दो चीज है रूल ऑफ लॉ ये वो वायलेट करता है कि एक एक आदमी सिर्फ वो ताकतवर है तो ही जवाब लॉ एन आर ओ मीन जवाब इनके सारे करप्शन के केसेस खत्म हो रहे हैं बारी बारी इन्होंने जो नैब की अमेंडमेंट की है एफ आई ए के सोलह अरब रुपए के केसेस शबाशी व फैमिली वो खत्म कर रहे हैं नैब के अंदर इनके केसेस खत्म हो रहे हैं मुल्क महंगाई में डूब रहा है मुल्क की मैशत नीचे जा रही है उसकी फिक्र नहीं है इनके केसेस खत्म हो रहे हैं बिलियंस के फायदे उठा रहे हैं मैं इसको ऑब्जेक्ट करता हूं, मैं तो इसको मॉरल पॉइंट से भी ऑब्जेक्ट करता हूं, और दूसरी चीज कैसे हो सकता है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो जाके कंसल्ट कर रहे हैं मफरूर से और आर्मी चीफ की पोजिशनिंग में हम तो ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये इसके ऊपर सीक्रेसी एक्ट है ये तो बड़ा है बड़ा अहदा है ये कैसे उसके साथ डिस्कस कर सकता है या कोई भाईचारा नहीं होता आ, 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 कानून के अंदर और नेशनल पॉलिटिक्स में सो मैं मैं समझता हूं कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को फ्री एंड फेयर इलेक्शन से गवर्नमेंट इलेक्ट हो क्या आए उसका प्रिटॉगेटिव होना चाहिए आर्मी चीफ चूज करने का अच्छा खान साहब मैं यहां पे कमिंग बैक टू इकोनमी अरीबा जो है प्रॉफिट के लिए काम करती हैं उसको इनवाइट करूंगा कि वो आपसे सवाल करें over to you. Thank you so much for this. Uh, Khan saab, my question is, ke, let's say today, miraculously or through any way, you come to the We've got a flood. Uh, we're in an IMF program. We have limited resources. have friendly countries, and reserves, are not giving us support as they used to. What are some actions that you can take right now to um, provide relief and tackle inflation? मीटिंग की है और हमने आउटलाइन किए मेन जो चैलेंजेस पाकिस्तान को आएंगे कि जब भी अगर अल्लाह हमें मौका देगा तो क्या क्या चैलेंजेस होंगे वो हमने आउटलाइन किए हैं आज और हम सब इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो भी आप जो भी हुकूमत यानी और अगर हम आएंगे तो जो चैलेंजेस हमें 2018 में फेस किए थे उससे बड़े चैलेंजेस अब होंगे क्योंकि ये इन्होंने जो किया है ना जी देखें बड़ी मुश्किलों से मैं आपको बताऊं बड़ी मुश्किलों से इंसेंटिवाइज करके हमने अपनी इंडस्ट्री उठाई थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पिछले दो साल देखें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी हमारी एग्रीकल्चर की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी चार मेजर क्रॉप्स के अंदर रिकॉर्ड हमारी रील्स थी उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हमने आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर होते हुए कोरोना कोविड 19 के क्राइसिस के बावजूद और जिस तरह हमने कोप किया क्योंकि तब सारी दुनिया में जो गुर्बत फैली है हिंदुस्तान में देख लें क्या हुआ हमें कंपेयर करें कि हिंदुस्तान ने कोविड 19 से कैसे कोप किया हमने कैसे कोप किया? किया हमने कैसे अपनी इंडस्ट्री बचाई अपनी लोगों का रोजगार बचाया हमने कैसे लोगों को बचाया फ्रॉम द कोविड 19 टू गरीबों को कैसे बचाया और सबसे बेहतर रिकवरी हमारी थी दुनिया में तीन चार मुल्क थे जिनों में सबसे बेहतर पाकिस्तान ने रिकवर किया था फ्रॉम कोविड 19, और फिर उसके बाद साइकिल कीमतें बढ़ गई तो वो हम जो उन क्राइसिस से निकले और मुझे खुशी ये थी कि छः ग्रोथ रेट थी हमारी प्रॉब्लम सिर्फ अभी मुजम्मल ने आपको समझ प्रॉब्लम हमें एक आ रहा था वैक्सीन के ऊपर हमने तीन अरब डॉलर हमारा खर्च हुआ वो एक शौक था ऊपर से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इनकी एकदम कीमतें ऊपर चली गई वो सत्ताईस फीसद हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स हैं तो उसका हमें एक शौक मिला उसके बावजूद हमारी इंडस्ट्री भी बची हुई थी हम अपने हम हम सोशल सेफ्टी नेट हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो कोई को, को, तस्वर हेल्थ इंश्योरेंस यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को दी दस लाख रुपए हर ख़ानदान को किसी भी हॉस्पिटल में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते थे और फिर एहसास प्रोग्राम सूद के बगैर कर्जे निचले सो हमने सारे प्रोग्राम्स किए एहसास दुनिया में रेकगनाइज हुआ हमारा बेहतर प्रोग्राम सो इसके बावजूद हम जब ये अपनी इकॉनमी को बैलेंस करते आ रहे थे मुझे यह खौफ था कि यह अगर साजिश कामयाब होगी हम टेल्सपेन में जाएंगे अब वो जो टेल्स पेन है यह जो अब हम नीचे गिरते जा रहे हैं और आगे कोई नजर नहीं आ रहा मुझे खौफ यह है कि यह छोड़ेंगे अब किधर मैं इसलिए बार बार लगा हुआ हूं कि अभी जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाओ ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शन से आएगी और कोई तरीका नहीं है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी इलेक्शंस इलेक्शन से तो मुझे खौफ ये है कि इनको तो अब समझ नहीं आ रही क्या करें दुनिया में बाहर भागे जा रहे हैं ना कोई बाहर से पैसे दे रहा है बाहर से कोई इनको क्रेडिट देने के लिए बैंक्स वो आपको बता दिया कि रिस्क अब इतनी है कि, कि किसी ने इनको पैसे नहीं देने सो अगर ये इसी तरह चलते रहे मेरा खौफ है जो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है जो आईएमएफ कह रहा है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट हो जाएगा अभी तक तो हम जल से आते हैं लोग जल से अटेंड करके चले जाते हैं बट मैं वो क्राउड के अंदर एक वो देख रहा हूँ इस किस्म का पैशन देख रहा हूँ गुस्सा देख रहा हूँ बिजली के बिल जब लोगों के घरों में आ रहे हैं लोगों में आग लगी हुई है जो आटा देखें बेसिक चीज है आटा ले पचपन किलो से सौ किलो क्रॉस कर गया दुगुना हो गया आटा और अभी और बढ़ने वाला है जो ये कीमतें बढ़ती जा रही हैं एक लोगों को गुस्सा है कि ये ऊपर आके बैठ गए चोर और अपने अपने केसेस खत्म कर रहे हैं चोरी के अरबों रुपए के दूसरी तरफ आवाम का कत्ल हो रहा है तीसरी तरफ बेरोजगारी आ रही है फैसलाबाद के अंदर पहली दफा पार लूज बंद हो गई है जो जो सारा फैसलाबाद में लेबर नहीं मिलता था टेक्सटाइल का अब वो बंद हो गई सो अगर हमने जल्दी एक्ट ना किया मुझे ये डर है कि सबके हाथ से गेम चली जाएगी ये वो उधर ना चला जाए कि हम कोई भी इसको संभाल ना सके सो आंसर टू योर क्वेश्चन इज जितनी जल्दी इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो उतनी जल्दी ये मुल्क पाथ टू रिकवरी होगा यानी हम अपने आप को रिकवर करना शुरू करेंगे जितनी देर ये चलते जाएं, उतना ही मुश्किल होगा उतना ही लंबा होगा रिकवर करने के लिए खान साथ मेरे साथ अभी बिजनेस रिकॉर्डर के काफी अच्छी करते हैं जुहेर हैं uh, जुहेर जुहेर क्विक क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड ओवर टू यू जी शुक्रिया आई चाहे आपकी गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो या उससे पुरानी गवर्नमेंट हो

आज हमने जो डिस्कस किया आपस में हम सब एक नतीजे पे पहुंच गए हैं कि अब अगर हमने जिस जो भी पाकिस्तान को इस दलदल से निकालेगा जिसमें फंसता जा रहा है उसको पाकिस्तान को वैसे चलाना पड़ेगा जो अभी तक किसी ने नहीं यानी हमें अब वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो अब तक हम पब्लिक प्रेशर की वजह से या जो भी कमजोरी की वजह से गवर्नमेंट्स हमारी कमजोर रही हमारी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोल्यूशन गवर्नमेंट बड़ी कमजोर होती है क्योंकि वो हर तरफ से उसको प्रेशर पड़ता है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि सारा वक्त आप गवर्नमेंट अपनी संभालें या कोई बड़ा फैसला करें लेकिन जो अब पीरियड है अगर इस मुल्क में बड़े फैसले ना किए गए मसलन ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं अगर आप इनके ऊपर हमने बड़े फैसले ना किए और बिला खौफ क्योंकि ये अब जो ब्लीडिंग हो रही है मस मैं सिर्फ पाँच छः जो बड़ी बड़ी पब्लिक कॉपरेशन है उनकी जो ब्लीडिंग है वो अब ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकेगा हमें जब तक पूरी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर सारी गवर्नमेंट को ओरिएटेड करें एक्सपोर्ट्स के ऊपर और वे ये महातर ने किया था ये जब अर्दोगान ने शुरू में वो आया था तो उसने मले, जब इनकी स्टैंडर्ड ऑफ ऊपर वेल्थ क्रिएशन की थी तुर्की में उन्होंने स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट्स पर किया था हमारी गवर्नमेंट के अलावा कभी किसी ने अयूब खान के, के दौर के बाद एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी तो जब वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो मुल्क हर वक्त जैसी आपकी ग्रोथ रेट होगी आप फिर फंस जाएंगे जाके करंट अकाउंट डेफिसिट पे यस पर सेशन टाइगर सबने एक्सपोर्ट लेट ग्रोथ की थी चाइना ने की है तो हमने तो कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी एक्सपोर्ट्स के ऊपर और शॉर्ट टर्म में कवर करने के लिए जब तक आप अपनी एक्सपोर्ट्स उठाते हैं तो रिमिटेंसिस हमारी बहुत बड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ये बहुत बड़ा एसेट है अभी हम सिर्फ इनकी रेमिटेंसेस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हमने कभी इनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोशिश नहीं की अब और इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा जुडिशल सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा क्योंकि जब तक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं होती आप जो छोटा बिजनेसमैन है जो मीडियम बिजनेस जो बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी में करना चाहते हैं उनको जब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलती अदालत से वो नहीं इन्वेस्ट करते पाकिस्तान में वो उधर दुबई चले जाएंगे वो मलेशिया चले जाएंगे लेकिन क्योंकि हमारा ये बड़ा कमज़ोर है इस वक्त हमारी जो इन्फोर्समेंट है कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को वो अपना आ, वो लेते हैं प्लॉट लेते हैं उसके ऊपर कब्जा हो जाता है तो अगर आप फैक्ट्रियाँ लगानी है, या मैन्युफैक्चरिंग करनी तो उसके लिए उनको अदालतों से प्रोटेक्शन चाहिए होगी तो ये हमें इसको करना पड़ेगा अब तक हमने इसके ऊपर किसी ने जोर नहीं लगाया लेकिन अब यह नागुजर है अगर पाकिस्तान ने डेवलप होना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करते वेल्थ क्रिएशन नहीं होने लगी वेल्थ क्रिएशन नहीं होने लगे हम कर्जों की ये जो दल दल में फंस रहे हैं ये नहीं हम कर सकते हमने बड़ी कोशिश की हमने कंस्ट्रक्शन को पूरी इंसेंटिवाइज किया जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हुई हमने पूरी कोशिश की इंडस्ट्री की मदद करने के लिए जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी टेक्सटाइल बढ़े लेकिन इसको डाइवर्सिफाई करना है हमारी अभी हम शुरू ही कर रहे थे हमारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट आनी थी इंडस्ट्री लगनी थी अनफॉर्चुनेटली जो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है वो वो सबसे बड़ा इंपेडमेंट है इन्वेस्टमेंट के रास्ते में तो अब स्टेबल गवर्नमेंट जिसके पास ताकत हो बड़े फैसले करने की इन्वेस्टमेंट के लिए हर वो हर्डल्स दूर करें जिसमें एक बहुत बड़ा हर्डल है लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट और फिर अपने ओवरसीज पाकिस्तान को इंसेंटिवाइज करें कि इन्वेस्ट करें अपार्ट फ्रॉम रिमिटेंस वो इन्वेस्ट करें एक दफ़ा हम एक हंस एक पीरियड से निकल गए इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई फिर पाकिस्तान देखिए बाईस करोड़ लोग हैं बाईस करोड़ लोग बड़ी मार्केट होती है हम फिर और दुनिया से और अपने मुल्क से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेरे साथ यूएसए से जिशान अजीज साहब हैं ओवर टू यू मिस्टर जिशान, योर शॉर्ट इन क्वेश्चन जी सलाइकुम जी मैं यूएसए से नहीं हूँ मैं उर्टू पॉइंट डॉट कॉम से हूँ और शाम साहब मेरा क्वेश्चन ये है कि वैसे तो ये गवर्नमेंट जो है वो और पूरी दुनिया में भी मैं ये देख रहा था कि सोलर पावर जो जनरेशन है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है लोगों को इंकरेज किया जा रहा है ये गवर्नमेंट भी कर रही है कि सोलर पावर जनरेशन की तरफ आया जाए लेकिन वो ये रहा है कि नेपरा ने जो अभी रिसेंटली जो प्रपोजल दिया है उसमें पहले जो सार्फिन नेट मीटरिंग के थ्रू जो चीज थी एक यूनिट जो वापदा को जब नॉर्मल फ्लैट रेट जब चल रहा था तो वो था जी अठारह रुपए के ऊपर तेरह रुपए नेट मीटरिंग का उनको मिलता था जब वो रिवर्स करते थे वापदा को अभी जो फ्लैट रेट है वो ट्वेंटी फोर रुपीज चल रहा है लेकिन नेप्रा उसके ऊपर प्रपोज कर रही है कि 9 रुपीस जो है कि जो जब ये यूनिट रिवर्स किया जाएगा को तो नाइन रुपीज पे किया जाएगा तो ये नेट मीटरिंग को और जो ग्रीन एनर्जी है उसको तो डिस्करेज करने वाली बात है जितने लोगों ने इतने जो अपने लगाए हुए घरों में और लोगों ने तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर कि वो इलेक्ट्रिसिटी अपनी भी यूज करते हैं और वापसी बापदा को भी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देते हैं जो आगे आ, सेल आउट कर देता है तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो आप नेट मीटरिंग को इनक्रेज करेंगे को इसके ऊपर आप देखेंगे ग्रीन जो एनर्जी है इसको देखिए हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो मसले सबसे ज्यादा जो हैडेक्स थी उसमें ये जो पावर सेक्टर है ये सबसे बड़ा हेड था अब ये क्या इसका प्रॉब्लम है क्या इसका प्रॉब्लम यह है कि इन पिछली गवर्नमेंट्स ने हमारे से पहले इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं बिजली के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिए हैं कैपेसिटी पेमेंट्स के जो हम बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें हमें पे करना पड़ता है तो जब हम गवर्नमेंट में आए थे तब तो मुझे गालिबन कोई मेरे ख्याल में, में साढ़े चार सौ अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट्स थी इन्होंने जो जो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो आ, वो बिजली प्रोड्यूस करने शुरू करेंगे और कर रहे हैं अब, तो अगले साल 223 के अंदर साढ़े चौदह सौ अरब रुपया हमें कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ेंगी सो आप बिजली इस्तेमाल करें या ना करें आपको इनको पैसे देने पड़ेंगे और उन्होंने जो बिजली जो जो जो, जो बिजली घर बना दिया या जो पावर जनरेशन बना दिया है वो हमारी डिमांड से ज्यादा बना दिए है और सेकेंडली इन्होंने क्या किया है वो है इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर अब हुआ क्या है आज आज पाकिस्तान के पास लोड शेडिंग क्यों है लोड शेडिंग इसलिए है कि हमने जो हमारे बिजली घर हैं अगर हम इंपोर्ट करते हैं फ्यूल तो हमारे पास पैसा ही नहीं है वो उनकी कीमतें कोयला ऊपर चला गया गैस ऊपर चली गई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल ऊपर हमारे जमाने में तो बहुत ऊपर था अब तो फिर नीचे आ गया तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है वो फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए क्योंकि इन्होंने बिजली के ये पानी के ऊपर नहीं बनाई अब और ये जो सोलर की बात कर रहे हैं जो सोलर अगर सोलर के अंदर भी इश्यूज हैं सो तो हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है हम बिल्कुल रिन्यूएबल अब सोलर की कीमत नीचे आती जा रही है वो उसकी उसका पर यूनिट कॉस्ट नीचा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने तो इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं हम बिजली ले या ना ले हमें इनको पैसे देने पड़ते हैं अब क, क, के पी के अंदर उ, उन उन्होंने उन, 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 उन उन, उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने अपने बनाए हुए हैं स्टेशन वो ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी सस्ती बिजली है और लोग वो ले लेंगे तो ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स का क्या बनेगा सो so, हम यहाँ बुरी तरह फंसे हुए हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स में हम फंसे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने साइन किए इंपोर्टेड फ्यूल पे इन्होंने साइन किए बिजली ले या नया ले हमने पैसे देने हैं और जो बिजली प्रोड्यूस कर दी है वो ज़्यादा हो गई हमारी कंसम्पन से ज़्यादा वो बिजली है हम यहाँ फंसे हुए हैं हम ये महंगी बिजली हमारे गले पर बहुत बड़ा एक वो तोक पड़ा हुआ है और इसका इसका जो दूसरा प्रॉब्लम क्या ये है कि वो जो वो और वो हमारी जो सर्कुलर डेट है अब वो सर्कुलर डेट उतारने के लिए इन्होंने अब बिजली की कीमत कहाँ पहुँचा दी है मुझे अब क्या खौफ है जिधर इन्होंने बिजली पहुँचा दी है बिजली की कीमत एक इससे थेफ्ट बढ़ेगी क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे लोगों ने चोरी करनी है पहले भी हमारे आ, 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 हमारी चोरी काफ़ी थी अब दूसरी चीज़ क्या है दूसरी चीज़ ये है कि ये जब कई हमारे डिस्कोज हैं वो उनकी लाइन लॉसेज इतनी ज्यादा हैं वो सारे जो जो अफिशेंट हैं उनको सब्सिडाइज करना पड़ता है कई बड़ी हैवी लाइन लॉसेज हैं तो ये जो सारा सिस्टम है ये, ये बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर है और अगर क्राइसिस सिर्फ इसलिए है कि इन्होंने जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं ये हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा इस वक्त अजाब बना हुआ है और आप ये कह रहे हैं ना कि आगे 2023 के बाद आसानियाँ पैदा होंगी जब ये कॉन्ट्रैक्ट कई पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स रिटायर हो जाएंगे तब हम फिर और बिजली सस्ती बिजली पे जा सकते हैं लेकिन अभी हम फंसे हुए कॉन्ट्रैक्ट्स में हाँ, मैं आपको याद कराते जाऊं कि आपकी हुकूमत में उन्नीस और 2002 की जो आई थे उसके कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट हुए थे रिकोडिक के साथ अच्छा हमारे साथ अथर काजमी भी हैं तो मैं अथर काजमी को इनवाइट करूंगा कि आपसे जो है कुछ सवाल कर लें Uh, बहुत शुक्रिया uh, मुजम्मल भाई थैंक यू uh, खान साहब मेरे आपसे दो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन इकॉनमी एक के हवाले से और एक मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से है जो सियासी सूरत हाल के हवाले से आपने आज ही एक ट्वीट की जिसमें जिस जिसमें आपने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसको भी कोट किया और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने जाके मुशावरत की है नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपने उसका हवाला दिया तो अब इसके ऊपर क्या आप कोई कानूनी कार्रवाई या अदालत से रजू करने का ख्याल रखते हैं या फिर सिर्फ इसको इसी हद तक आपने जो हाईलाइट करना था हाईलाइट कर दिया दूसरी चीज जो इकोनॉमी के हवाले से खान साहब मौजूदा हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि आईएमएफ की मर्जी के बगैर हम छींक भी नहीं ले सकते अब अगर आप इंतजाम जीत भी जाते हैं और आके आप हुकूमत बना लेते हैं और उस वक्त आके आप हमें बताते हैं कि अब तो हम उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते तो फिर पाकिस्तानियों को क्या मिलेगा क्या आप उनसे कोई रीनिगोशिएट करेंगे या फिर आप भी इसी तरह मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की तरह वो इसी तरह की बात हमें बताएंगे देखिये पहली चीज तो मैं पहले भी इसका जवाब दे बैठा था कि यह हर तरह गलत है कि एक मफरूर एक सजा याफ्ता एक झूठा आदमी जो कि झूठ बोलकर मुल्क से बाहर भागा है, एक कॉन्वेक्ट और उसके अलावा जिसके अरबों रुपया बाहर पड़ा हुआ है मुल्क से अरबों रुपया नहीं मैं समझता हूँ डॉलर्स इसके बाहर पड़े हुए हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टीज में ये और इसके बचे रहते हैं और कोई नहीं बता सकता कि पैसा किधर से आया क्योंकि चोरी करके पाकिस्तान का पैसा था अब इस आदमी से इतना बड़ा फैसला पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट ये आदमी अगर करेगा ये मॉरली भी गलत है और मेरे ख्याल में लीगली भी ये गलत है और इसके ऊपर हमने आज अपने वकीलों से आ, मुशावरत की है और इन शाह हम इसके ऊपर आगे आ, प्रोसीड करेंगे लेकिन आ, देख रहे हैं कि इसके किस तरह हम लीगली आ, इसकी आ, इसके ऊपर केस कर सकते हैं जो आपने दूसरी बात बताई आईएमएफ की देखिए ये गवर्नमेंट आईएमएफ में सिर्फ पांच महीने रही है उसी आईएमएफ के साथ हमारी गवर्नमेंट ढाई साल थी यही आईएमएफ था हम भी हम ढाई साल थे ये हैं पांच महीने इनका आया क्राइसिस अभी ये फ्लड्स का हमारा क्राइसिस आया था कोविड का जो इंटरनेशनल क्राइसिस था तो हमने उसके दौरान आई से रहते हुए अपने मुल्क को संभाला भी बैंक्राफ्ट मुल्क छोड़ के गया था मैंने आपसे पहले आकर बताया कि बीस अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए और जो हमारी एक्सपोर्ट्स थी और जो रेमिटेंसेज मिला के वो तरतालीस अरब डॉलर थी हम छोड़ के गए हमारा जब इन्होंने नो कॉन्फ्रेंस की टेबल की साजिश के तहत तो हम सिर्फ सोलह अरब डॉलर का खसारा छोड़ा हमारा था उस वक्त और त्रासठ अरब डॉलर हमारी आमदनी थी बीस अरब डॉलर आमदनी बढ़ा चुके थे तो हम भी आई एम एफ प्रोग्राम में थे आई हमें भी कहता था कीमतें बढ़ाओ आई हमें भी कहता था कि जनाब रिस्ट्रिक्शन लगाता था हर किस्म की हमारे ऊपर कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ और वो जो 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 उनकी उनकी लेकिन हम अपने लोगों के लिए स्टैंड लेते थे उसी दौर में हमने सबसे बड़ा पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम किया हमने अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान उसकी तारीफ की और पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जा रहा था तो आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने लोगों को भी प्रोटेक्ट किया आईएमएफ के प्रोग्राम में सारे बरेसीर में सबसे ज़्यादा रोजगार दिया वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा आफ्टर कोविड हमारा रोजगार था उसी प्रोग्राम में सिक्स ग्रोथ रेट हमने की उसी प्रोग्राम के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी 11 परसेंट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और हमारी चार क्रॉप्स के ऊपर रिकॉर्ड पैदावार हुई चार मेन हमारी जो फसलें थी तो मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सी क्या मत आ गई कि इनके चार महीने के अंदर सारा कुछ ही नीचे चला गया और कह रहे आई कीमतें आसमानों पर चली गई कितनी महंगाई हुई है कि तेल की कीमत डेढ़ सौ से आ, 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 डीजल की डेढ़ सौ रुपए से ढाई सौ रुपए पर चली गई इंटरनेशनली तो कम हो गई है तेल की कीमत 103 डॉलर हमारे दौर पे था आज तिरानवे डॉलर है तो कैसे सौ रुपए इन्होंने लीटर बढ़ा दिया बिजली सोलह रुपए यूनिट से छत्तीस रुपए यूनिट पे कैसे पहुंच गई यानी डबल सारा कुछ कैसे हो गया और अभी इन्होंने गैस की कीमत ढाई सौ फीसद बढ़ा ली है तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि महंगाई तो हो रही थी इंपोर्टेड महंगाई तो थी मैं बार बार जब कहता था कि आलमी महंगाई है तो ये सारे मुझे तनकीद करते थे हम जब कह हम जब कहते थे कि आई एम एफ के हम रिस्ट्रिक्शंस में हैं तो ये हमें कहते थे आई एम एफ की गुलामी कर रहे हो ये बताएं क्या कर रहे हैं हम मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने आवाम के लिए की है सारी चीजें इन्होंने की अपनी चोरी बचाने के लिए और मुल्के ऊपर इन्होंने क्रश कर दिया लोगों को खान साहब जो है अभी तक पांच महीनों में साढ़े छह अरब डॉलर जरे मुबादला के जखाएर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हुए और चार महीने में साढ़े सात हजार अरब इन्होंने कर्जा लिया अब मैं यहाँ पे जो है ताहिर आरिफ अबीब में एनालिस्ट हेड ऑफ रिसर्च है वहां के ताहिर को इनवाइट करूंगा आपसे सवाल करें और टू यू ताहिर ताहिर आपको आवाज आ रही है अच्छा फ्रॉम ग्लोबल आप अगली कि दफा जब हुआ तो अगर आपके पास सवाल आपसे आती है तो किस किस्म के कानून साजी आप सोचे जिससे इन्वेस्टर्स को प्रो, प्रो, प्रोटेक्शन भी दी जाए चाहे वो लोकल हो या फॉरन हो ताकि हमारी आ, कट किया क्वेश्चन मुझे रिपीट कर सकता है, कोई मुझे समझ नहीं आई कि आवाज नहीं आ रही है ना आपकी जहाँ तक, 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 तक मैं समझाऊं वो ये कह रहे हैं मुजम्मल जहाँ तक मैं ये समझाऊँ वो ये कह रहे हैं कि आप क्या किस तरह की प्रोटेक्शन देंगे इन्वेस्टर्स को देखें मैं जब मेरा ओवरसीज पाकिस्तानी से बहुत इंट्रैक्शन है अब से नहीं क्रिकेट के ज़माने से मैं इंट्रैक्ट करता रहा फिर शौकथानम के लिए उन्होंने मेरी बड़ी मदद की शुरू में तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से शौकत शौकथानम बना भी और अभी भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं चलाने पर फिर तहरीक इंसाफ को जो फ़ॉरन फंडिंग कहते हैं ये ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मेरी मदद की तो मेरा इनसे इंटरेक्शन बहुत है मैं हमेशा इनकी इनका जो नंबर वन प्रॉब्लम क्या रहा है वो आदि हो जाते हैं उन सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्ट करना जहाँ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है वहाँ उनको प्रॉब्लम नहीं रिश्वत नहीं देनी पड़ती उनको तो जब वो उस सिस्टम के आदि हो जाते हैं उनको बड़ा मुश्किल पड़ता है जब वो हमारे सिस्टम में आते हैं और हर जगह वो जिसको स्पीड मनी कहते हैं कि उनको हर जगह पैसे देने पड़ते हैं फिर जो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है वो जब लोकल पार्टनर लेते हैं वो फ्रॉड कर देता है जब वो फ्रॉड करता है अदालत में उनको फिर रिलीफ नहीं मिलती वो ये सबसे बड़ी वजह ये है और बड़े जबरदस्त हैं आप ये सोचना कि जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाता है अपनी बिजनेस शुरू करता है वो तो किसी को नहीं जानता वो तो कोई सिफारिश नहीं होती वहाँ तो वो तो वहाँ कोई रिश्वत नहीं देकर बनता वो मेहनत करके अपने पैर पे खड़ा होकर अपनी बिजनेस बनाता है अब वो जब कामयाब हो जाता है उनका बहुत दिल होता है कि अब मैं पाकिस्तान आके बिजनेस करूं पाकिस्तान में सिर्फ फंस जाते हैं आके और मैं फिर से रिपीट करता हूं जो करप्शन है ये सबसे बड़ी कैंसर है एक सोसाइटी अगर आप दुनिया के मुआरे देख लें तो जो सबसे कामयाब माशरे हैं उनमें सबसे ज्यादा रूल ऑफ लॉ है रूल ऑफ लॉ का मतलब है करप्शन नहीं है जो सबसे गरीब माशरे हैं जिधर गुर्बत ज्यादा है, है वसाइल के बावजूद वहां क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है वहां करप्शन है और जब करप्शन होती है इन्वेस्टमेंट नहीं आती सिंपल चीज है मैं जब छब्बीस साल पहले पॉलिटिक्स शुरू ही की थी इंसाफ की तहरीक और अगर हम इंसाफ आ जाता करप्शन चली जाती है जो पाकिस्तान में इस वक्त आप देख रहे हैं ना ये जो हमारे मसले मसाइल हैं वो सारे आके फंस जाते हैं क्योंकि हमारा रूल ऑफ लॉ नहीं है जो ताकतवर है वो हर गलत काम कर सकता है उसको कानून नहीं पकड़ता आपके सामने है तीन साल से हम कोशिश करते रहे जो तीस साल से चोरी कर रहे थे इनके पुराने करप्शन के केसेस हैं हम नहीं इनको कन्वर्ट करवा सके क्योंकि उनकी जड़ें डीप हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था वो हर जगह से कुछ ना कुछ करके निकल जाते थे और जब आप बड़े चोरों को नहीं पकड़ते तो छोटे चोरों को जेल में पकड़ने से करप्शन ख़त्म नहीं होती सारी दुनिया का ये एक, एक प्रिंसिपल है कि जब आप ये नहीं कि आप सजा कितनी बुरी देते हैं ये कि सजा होती है जब एक माशरे में चोरी के ऊपर सजा होती है तब सजा चोरी ख़त्म होती है जब एक माशरे और ये जो कहना कि जी गर्दने काट दो तो इससे चोरी ख़त्म हो जाती है इससे नहीं होती आप गरीबों की गर्दने काट दें छोटे चोरों की कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन जब बड़े लोग एक माशरे के अंदर बड़ा पैसा चोरी करते हैं बड़े बड़े बाहर महल्लात खरीद देते हैं ऑफ शोर अकाउंट्स कर और वो माशरा उनको नहीं पकड़ता तो ये मैं आप सब लिए ये कह रहा हूँ कि यहाँ मुझे बड़ा कहा गया कि इमरान साहब आप तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी ने कहा जी बड़ा तकबर है इमरान खान में इनके ऑपोजिशन से बात नहीं करता ये शबाजशी से हाथ नहीं मलाता ये सबसे बड़ी ट्रैप है इस मुल्क में जब आप करप्शन को एक्सेप्टेबल कर देते हैं आप अपने माशरे की कब्र खोल देते हैं जिस दिन आप करप्शन को बुरा नहीं कहते आप समझ जाए कि आपका माशरा मरना शुरू हो जाता है मौलाना रूमी की मैं हर वक्त सैिंग बताता हूँ उससे किसी ने पूछा जी कौम कैसे मरती है उसने कहा अच्छे बुरे की तमीज़ खत्म करती है कौम मर जाती है तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट की और खुशहाले की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ रूल ऑफ लॉ ले आए हमारे अदलिया के सिस्टम पे, हमारी इंसाफ के सिस्टम पर बाकी दुनिया को छोड़ें सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस आ जाए एक करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठे पांच लाख दस लाख पांच लाख से दस लाख अगर वो पाकिस्तानी यहां इन्वेस्ट करना शुरू कर दें हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी हम अपने कर्जे भी उतार लेंगे हमें कोई आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम लेकर वो एटमोस्फेयर बनाना है जिसमें इन्वेस्टमेंट आए पाकिस्तान में हाँ ये जो है एक ऑनलाइन सवाल आया मेरे पास और सवाल ये आया है कि ये हुकूमत को आए हुए पांच महीने हो गए और ये फॉरेन ट्रिप्स पे फॉरेन ट्रिप्स किए जा रहे हैं और अभी तक इनको कोई किसी ना फ्रेंडली कंट्री ने पैसा दिया है और जो है टैक्स पेयर का पैसा भी जो है ये मुल्क में रहते नहीं है खर्च करें बेदर्दी से अभी शहबाज शरीफ वगैरह अमेरिका में है जब लास्ट टाइम आप गए थे तो वहाँ पाकिस्तान एम्बेसी में ठहरे थे और अब वहाँ पे पता लग रहा है कि रोजाना रात का एक करोड़ साठ लाख रुपए सिर्फ होटल का सिर्फ बिल पे कर रहे हैं ये पाँच छः लोगों का तो आपके ख्याल में ये जो टैक्स पेयर का एक तरफ पैसा जाय कर रहे हैं और दूसरा ये कि आपके ख्याल में ये क्यों नाकाम है इनको पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप मांगते नहीं थे मुझे याद है सऊदी अरब आप गए थे वहां उन्होंने तीन अरब डॉलर डिपॉजिट का ऐलान किया पंद्रह दिन बाद पाकिस्तान आ गए ये चक्कर लगा रहे हैं इन्होंने कहा कि हमें इतने कमिटमेंट आ गए और अब जो है वो कोई हम ग्राउंड पे देख नहीं रहे के इनको कोई रकम नहीं मिली वॉट ये सवाल था आपसे देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ हम समझते हैं कि हम जनाब उनके पैर पकड़ेंगे उनके घुटने गोडे दबाएंगे बाहर के लोगों के मैं हम वो सेक्रेटरी जनरल का बाजू पकड़ लेंगे और उसके पता नहीं कोशिश करेंगे उसका कोट पकड़ लेंगे तो जनाब वो खुश होकर में पैसे दे देंगे या हम किसी के पैरों में पड़ जाएंगे जाके या हम वो इधर उधर भागे फिरेंगे और पै... देखें हम रियलाइज़ नहीं करते यहाँ कौम नहीं रियलाइज़ करती कि जब मैं एज प्राइम मिनिस्टर किसी भी दुनिया के प्राइम प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ़ स्टेट या उनके वजीर से मिलता था पहले मुझे फॉरेन ऑफिस पूरी उसकी डिटेल्स बताता था कि आदमी कौन है इसकी पढ़ा किधर है इसकी क्वालिफिकेशन है इसने नौकरियां क्या की इसकी बिज़नेस क्या है इसका माजी क्या है सारी पहले मेरे पास डिटेल आती थी और ये समझ जाए कि जो भी दुनिया में ये मिलने जाते हैं ना जिसको उसके पास पहले पूरी डिटेल होती है इनकी तो ये समझे ना कि आप उनके कोट पकड़ लेंगे या उसका बाजू ऐसे पकड़ लेंगे तो वो आपको पैसे दे देगा या आप कहेंगे कि वो जो उसने वो इतना शर्म की बात है कि वो उसके सेक्रेटरी जनरल के सामने वो खड़ा होकर शहबाज शरीफ कहता कि अगर हमें पैसे दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे वज़ीर और मेरे ये जितने भी ऑफिसर बैठे हैं हम आपका पैसा चोरी नहीं करेंगे यानी हम आपका पैसा ठीक तरह लगाएंगे कभी इस तरह की बात सुनी है कोई हेड ऑफ स्टेट ऐसी बात करता है तो पैसे तब मिलते हैं जब वो लोग समझते हैं जिस तरह एक आप चैरिटी को नहीं पैसा देते चैरिटी को वो चौदह अरब रुपया तीन टेलीथॉन में लोगों ने प्लेज किया चौदह अरब रुपया यानी आठ घंटे में चौदह अरब रुपया लोगों ने प्लेज किया क्यों किया जब उनको कॉन्फिडेंस होता है कि हम हमारा पैसा सही जगह पे जाएगा इतना बड़ा साना हुआ है ये और खास तौर तो पे सिंध और बलोचिस्तान के इलाकों में सिंध में तो बहुत तबाही मिची है अब मुझे ये बताएं कि दुनिया को हमारी मदद करनी चाहिए थी सारी दुनिया के में आया कि कितनी तबाही मिचिए कितने पैसे आए हैं क्यों कोई पैसे नहीं दे रहा क्योंकि सबको इन गवर्नमेंट का पता है सबको पता है इनके पैसे बाहर पड़े हैं सारों को पता है कि नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के पैसे इनके ऊपर तो इनके ऊपर तो पड़ा जब बायो डेटा देते होंगे तो बताएंगे कि इन्होंने क्या किया इनके ऊपर क्या क्या क्यों जेलों में गए हैं पैसे जरदारी का नहीं है सबको पता क्या अपसंद की गवर्नमेंट का मतलब जरदारी क्या लोगों को नहीं पता जरदारी की तरह उसको तो टेन परसेंट कहते थे कभी बाहर मजमून तो देखें इनके ऊपर क्या लिखे हुए थे एक जगह जरदारी के गया बाहर डेली मेल में उन्होंने कहा कि इसे हाथ मरारा ना तुम्हारी उंगलियाँ ना ये चोरी कर ले इस तरह की चीजें इनको पर कौन पैसे देगा और दूसरी चीज क्या शर्म नहीं इनको आती कि इतना बड़ा है में। और वो बिलावल को चौदह साल से उनकी गवर्नमेंट है सिंध में इतनी बड़ी तबाही आई है उसने वहां न्यूयॉर्क में जाके कौन सा मार्का मारना था वह क्या करना है उसने न्यूयॉर्क जाके कौन सी उसने तकरीर कर दे रही थी उसका काम था सिंध में जाके लोगों का हाल तो पूछे वो वहां निकलता नहीं है सारे इनके वजीरों को लोग बुरा भरा कहते हैं चौदह साल से बैठे हुए हैं इनको कम अज कम वो जो दरिया सिंध की राइट बैंक आउटफॉल केनाल जो पानी ड्रेन करके लेके जानी थी अगर वो काम कर रही होती तो बहुत तबाही से बच जाते क्योंकि पानी जब ये बारिश का पानी आया तो उसको कहीं से निकलना था उसके लिए रास्ते किसने बनाने थे जो राइट बैंक आउटफॉल केनाल है वो जो हम, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी हमारे दौर में वापडा ने सेवन तक अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट कर ली थी सेवन से आगे समुंदर तक इन्होंने लेके जाना था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने वो वो लेके नहीं गए तो वह पानी ने तो तबाही मचा दी है जब वो निकलेगा नहीं तो क्या है इनका काम नहीं कि वह बुरे हालात में लोग हैं क्या बिलावल को देखना नहीं चाहिए कि वो लोगों के हालात क्या है वह बीमारियां आने वाली हैं वह पानी खड़ा हुआ है वह मच्छर है खाना नहीं है लोग आइसोलेटेड है उनकी उनकी चावल की फसलें पता नहीं क्या हमें यह भी नहीं पता कितना डैमेज हुआ है तो कम अज कम इतनी तो आपको होना चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को और फॉरन मिनिस्टर कि आपकी जिम्मेदारी है कौन सी क्या कौन सी शहबाज शरीफ ने वहां जाके तकरीर करनी है जो कि जूम मैंने दो साल जूम के ऊपर तकरीरें की है यू में मैंने तो यहां बैठ के किए क्योंकि कोविड के दौरान तो अभी सारी दुनिया को पता पाकिस्तान में फ्लड आए हुए हैं यहां बैठ के तकरीरें करनी थी अब फॉरेन एक्सचेंज जाया करेंगे करोड़ रुपया फॉरेन एक्सचेंज में जाया करेंगे इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा आखिर दो लास्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन जी जी इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं दो दो या तीन कट्ठे क्वेश्चन ले रहा हूं आप आंसर देके ताकि क्लोज कर दें मैं इनवाइट कर रहा हूं उमर को बोल टीवी से पहले उमर जल्दी से आप सवाल कर लें

पीटीआई के पास क्या ऐसा प्लान है या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके माइंड में एक या दो जो कि अगर आपकी गवर्नमेंट आती है आफ्टर इलेक्शन जो कि आप लोग करेंगे अदर देन रिलाइंग ऑन ओवरसीज पाकिस्तान थैंक यू देखिए चलो पहले दूसरा भी सवाल पूछ रहे ताकि मैं इकट्ठा ही जवाब दे दूँ दे दोनों का खान तो साहब बोल टीवी आ, से आगे, आगे जी खान साहब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो करंट uh, गवर्नमेंट है वो ये इल्जाम लगाती है कि पीटीआई की हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑटोनोमी बिल जो है वो मंजूर करवाया जिसकी वजह से आज डॉलर जो है वो फ्री फ्लोट हो गया है और इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या आने वाली जो हुकूमत है आपकी जिसमें आप अगर हुकूमत में आए तो क्या वो एक स्टेट बैंक की ऑटोनी का बिल जो है वो उसको आप रिवाइज करेंगे और दूसरा आईएमएफ प्रोग्राम में क्या आप दोबारा अगर ये प्रोग्राम ख़त्म होता है तो आईएमएफ प्रोग्राम में आप दोबारा किसी और प्रोग्राम में जाएंगे ओके जी मैं दोनों का जवाब देता हूँ सबसे पहले तो मैं स्टेट बैंक की अटोानी की आपको बात कर दूँ देखिए मैं तो बिलीव करता हूँ कि जो सारे इदारे हैं उनको इन अ सेंस ऑटोनमी उनकी ऑटोनमी होनी चाहिए वो क्यों क्योंकि देखें दुनिया के अंदर जो कामयाब माशरे हैं उनके अंदर बेसिकली जो इदारे हैं वो अपने दायरे के बीच में फंक्शन करते हैं और काफ़ी ऑटोनमी उनको होती है क्योंकि हर एक दौरे इदारे का रोल क्लियर होता है तो स्टेट बैंक की किसी हद तक तो ऑटोनमी ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि उसका जो काम है मॉनेटरी सप्लाई को देखना और एक्सचेंज रेट को देखना तो वो उनके पास स्पेशलिस्ट अगर बैठे हुए हैं तो उनका काम है लेकिन उनकी कंसल्टेशन मेरे मेरे साथ सारा वक्त स्टेट बैंक गवर्नर की कंसल्टेशन रहती थी इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी कंसल्ट करते रहते थे वो अपने व्यूज़ देते थे गवर्नमेंट के अपने व्यूज़ तो ऑटोनी हंड्रेड परसेंट भी नहीं होती कोई भी गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती लेकिन होनी ज़रूर चाहिए और मैं वे किसी भी इदारे की बात कर रहा हूं कि उसको एक अपने दायरे के अंदर जो आइन उसको दायरे देता उसमें काम काम करना चाहिए और हर हर इदारे को और एक्चुअली मुल्क कामयाबी इस तरह होता है प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आ, आप इदारों को कंट्रोल कर लें और उनको आप फंक्शन ना करने दें और उनके अंदर उनका जो जो लॉ बना हुआ है इदारे का उसमें चले ना मैं ना एक, एक सिंपल मिसाल देता हूँ शौकत खानम की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि ये माशाल्लाह भी आपको एक अच्छी खबर सुनाएंगे कि इसकी दुनिया के अंदर अब रैंकिंग आ गई है और दुनिया के अंदर इसकी एक एक, 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 एक इसको क्रेडिट किया गया है इसकी परफॉर्मेंस को बाहर से आके एवेल्यूट किया गया है इसको तो ये क्यों कामयाब है इसके अंदर किसी किस्म की आउटसाइड इंटरफेरेंस हम नहीं होने देते इमरान खान भी सिफारिश करके वहां कोई उसके जो कानून बने हुए उसके आ, उसके उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता टोटल मेरिटोक्रेसी है उसके अंदर उसके कानून बने हुए हैं वो कामयाब है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के क्या प्रॉब्लम आता है इंटरफेरेंस हो जाती है सो इन सेंस उसी तरह स्टेट बैंक उसका जो रोल है उसको एक अटोनमी जरूर होनी चाहिए अब आ जाए जी करें क्या देखें सबसे पहले तो जब तक मैं रिपीट करता हूं एक मुल्क सारा और मेरा मैंने ये कोशिश कर रहा था आखिरी दो सालों में लगा हुआ था कर रहे हैं कि एक एक तो एक्सपोर्टर्स का और गवर्नमेंट का बड़ा क्लोज कनेक्शन चाहिए और मैंने शुरू कर दिया था अनफॉर्चुनेट कोविड से हमें बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि मैं अपने एक्सपोर्टर्स को जिधर दुनिया में मेरे टोज होते थे मैं एक्सपोर्टर्स को साथ लेके जाता था उनकी इंट्रैक्शन होती थी उधर जो उनके मुल्क में आ, 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 जिनके साथ वह सरमायाकारी कर सकते हैं ताकि प्रमोट करें अपने मुल्क की एक्सपोर्ट्स ये कभी नहीं की गई पाकिस्तान में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी किसी गवर्नमेंट ने इस तरफ सोचा ही नहीं कि वेल्थ क्रिएशन तो हो ही नहीं सकती जब तक आपके एक्सपोर्ट्स ना बढ़े हम मैं बड़े सुनता था नारे के जी मैं एशियन टाइगर बना दूंगा पाकिस्तान को एशियन टाइगर सारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर जोर दगा के बने थे चाइना की सारी राइज एक्सपोर्ट्स के ऊपर कॉन्सनट्रेट किया था तो उसके ऊपर हम पूरा प्लानिंग कर रहे थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिधर सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इंडस्ट्रीज को हमने लेके आना था और ये सारी प्लानिंग कर रहे थे तो पहले तो इन अ मीडियम टर्म अभी से अगर हम शुरू करें और पूरी प्लानिंग करें कि सारी मुल्की एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगा दें हम सारा कुछ के कैसे डॉलर्स लेके आने हैं मुल्क में ताकि ये हमारा जो करंट अकाउंट का जो हर बारी थो, हर थोड़े साल के बाद वो आ जाता है जो आ, जो आ, आ, क्राइसिस आ जाता है वो ना है लेकिन वो उससे पहले एक शॉर्ट टर्म है वो तो जब अगर आज आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर पूरा लगे भी, दो तीन चार साल तो लगेंगे वो जो इमीजिएट तरीका है और वो मैंने क्या सोचा था मैं आपको भी बता देता हूं तो। मैंने फैसला सोचा था कि जो सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट जो आसानी से हम ओवरसीज पाकिस्तानी की ला सकते हैं वो है रियल इस्टेट में लेकिन रियल एस्टेट तो जो ये जो प्लॉट्स वगैरह तो कम पैसा है दो शहर हम बना रहे थे एक तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे शहर फैलते जा रहे हैं और वो फैल उधर रहे हैं जिधर हमने जरात की ज़मीन है इस्लामाबाद दस सालों के अंदर दुगना हो गया है और लाहौर जिस तरह फैलता जा रहा है सारे वहाँ बड़ा जरखीज़ ज़मीन है वो सारी खत्म होती जा रही है हाउसिंग सोसाइटीज़ की तो मैंने दो शहरों का सोचा था कराची की एक्सपेंशन रोकने के लिए बंडल आइलैंड के ऊपर पूरा एक मॉडर्न सिटी और ऊपर ऊपर जाने वाली उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी आ गए थे बड़े बड़े ग्रुप्स आ गए थे बाहर से जो इन्वेस्ट करने के लिए और उस पर फॉरेन एक्सचेंज आना था तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा अंदाज़ा था चार पाँच बिलियन डॉलर हमारे मुल्क में आ जाना था एक उधर से और दूसरा रावी सिटी अब रावी भी लाहौर को बचाने के लिए रावी सिटी क्योंकि रावी लाहौर भी फैलता जा रहा है बड़ा मुश्किल है पानी के इशूज़ हैं पोल्यूशन है उसकी दरख्त काट दिए उन्होंने एग्रीकल्चर ज़मीन जा रही है उसके लिए रावी सिटी थी वो लाहौर के पानी के प्रॉब्लम बराजस बन रहे थे पानी भी रावी को भी बचाने के लिए ग्राउंड वाटर भी नीचे जा रहा था पोलूशन बचाने वहाँ कोई दो करोड़ दरख्त लगा रहे थे पूरा अब वो अभी भी कर रहे हैं लेकिन वो उसका मकसद ये भी था कि साथ फॉरेन एक्सचेंज आना था बाहर से डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही थी बड़े बड़े कंसोशन तैयार बैठे थे बदकिस्मती से वहां कोई ग्यारह महीने का स्टे ऑर्डर आ गया हम वो तो वो पैसा ना आ सका तो शॉर्ट टर्म के अंदर हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मुल्क का भी फायदा है और जिसमें हमारे पास डॉलर्स आएंगे और ये ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसेस इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है वो ये शॉर्ट टर्म है और एक्चुअली जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाते इंडस्ट्राइजेशन की तरफ नहीं जाते इंसेंटिवाइज नहीं करते जिस तरह चाइना ने स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स इकोनॉमिक जोन्स बना के इंडस्ट्री लेके आए थे एक्सपोर्ट के लिए हमें जब तक वो प्लानिंग नहीं करेंगे और कोई शॉर्टकट नहीं है तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म में तो बस सिर्फ यह है कि हम ओवरसीज की पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट लेके आए लॉन्ग टर्म है पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रलाइजेशन और एक्सपोर्ट्स अच्छा खान साहब बस हम इसको क्लोज करेंगे विद टू कमेंट्स और एक आपका फाइनल कमेंट कमेंट चाहिए होगा ब्लूमबर्ग की आज की स्टोरी है कि पाकिस्तान की करेंसी जो है सितंबर के महीने में दुनिया की वर्स्ट करेंसी थी इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है उसका यूनिवर्स है उसमें वो कुछ सत्तर अस्सी कंट्रीज के बारे में बताता है उसमें पाकिस्तान दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क रहा अगस्त में और आगे ये लगता है कि दूसरे दूसरे नंबर पे आ जाएंगे पाकिस्तान में हाइपर इन्फ्लेशन है फिच का आपने खुद बता दिया कि पॉइंट टू परसेंट जी डी पी ग्रोथ है अब ये तमाम चीजें और जैसे आपने कहा कि जल्सों में जिस तरह आप देख रहे हैं कि लोग जो है पके में अब वो इंतजार है लोगों को कि आप वो जो कह रहे थे कि दो हफ्ते में मैं बताने वाला हूं तो फाइनली आप वो मैसेज दे दें अगर कुछ है ताकि हम इसको क्लोज कर सके नहीं वो नहीं। क्या मैसेज है और वॉट 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 इज योर एक्सपेक्टेशन और क्या होने वाला है अगर कोई भी आज पाकिस्तान का सोच रहा है ना कोई भी अगर सोच रहा है कि उसने पाकिस्तान को ये जिस दल दल में इन चोरों ने फंसाया पाकिस्तान को मैं इनको चालीस साल से जानता हूँ मैं इनको जब ये पावर में आए मेरी दोस्तियाँ थीं इन दोनों के साथ दोनों बड़े घरों के साथ और मैंने इनको इस मुल्क को बजाए ये कि अल्लाह ने इनको करम किया है एक मुल्क की क्यादत दी है जिस तरह नदीदों की तरह लालची लोगों ने जिस तरह इन्होंने इस मुल्क का पैसा बनाया और इन्होंने क्योंकि बनाया तो इनके नीचे भी सारे बनाना शुरू हो गए जो करप्शन आम की है जो पाकिस्तान पीछे रह गया इंडिया से बांग्लादेश से और हम पीछे ही जाते गए और फिर पिछले दस सालों में आठ से लेकर अठारह तक चार गुना ज्यादा इन्होंने पाकिस्तान का कर्जा बढ़ाया ये दो घर जो हैं अगर कोई ये उम्मीद सोच रख रहा था और मैं जिन लोगों ने भी इनको बैक किया होगा बैरूनी और अंदर से अगर उनको ये ख्याल था कि जो तीस साल से मुल्क को तबाही कर रहे हैं वो अब आके मुल्क को ठीक कर देंगे उनको कोई जरा उनका मेंटल मेकअप उनको सोचना चाहिए कि हमारे जेन में कोई तो प्रॉब्लम होगा कि हम वो कहते हैं ना आइंस्टाइन ने कहा था कि डेफिनेशन पागलपन की क्या दी थी डेफिनेशन ऑफ मैडनेस डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट यानी वो लोग जो इस मुल्क का दिवालिया बार बार निकालते रहे हैं अब कोई सोच रहा था कि अब आके तो मुल्क को ठीक कर देंगे इन्होंने वही करना था जो हमेशा किया और क्या किया है अपनी जात को इन्होंने फायदा पहुंचाया अपने पैसे बचाए अपने चोरी का पैसा अरबों रुपया ये बचा रहे हैं और मुल्क को ये नीचे ले गए हैं आवाम का माशी कत्ल कर रहे हैं और ये जितनी देर ठहरेंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितनी देर ठहरेंगे आई एम एफ और नो आई एम एफ इन्होंने नीचे लेके जाना है मुल्क को इसलिए एक ही हाल है और कोई भी मुझे बता दे इसके अलावा दूसरा हाल कोई दूसरा हाल नहीं है स्वाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अब हम इनको यह कह रहे हैं कि मुल्क को बचाने के लिए आप इस मुल्क में फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए अगर आप ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये आपके सामने मुल्क डूब रहा है आपके सामने ये जो आईएमएफ के प्रोग्राम के बावजूद ये जो रुपया गिरता जा रहा है ये अगर इसी तरह गिर और जो और, और इसको रोकने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है मार्केट को इनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है और जब एक्सपोर्ट्स नीचे जानी शुरू हो गई यानी डॉलर की इनकम कम होनी शुरू हो गई पाकिस्तान में और रेमिटेंसेस की तो ये गैप तो बढ़ता जाना है और जितना गैप बढ़ता जाएगा ये जो आ, 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 ट्रेड गैप है या करंट अकाउंट डेफिसिट है तो उतना ही रुपया नीचे गिरता जाएगा तो ये तो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं सो so, लिहाजा हमने हम इनको टाइम दे रहे हैं लेकिन ज़्यादा आप टाइम नहीं देंगे हम इन मेरा प्लान है वो मैं किसी को भी नहीं बता रहा लेकिन अगर इन्होंने इस वक्त सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए सिर्फ और जो भी इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं वो सिर्फ ज़ाती मफाद के लिए कर रहे हैं मुल्क को कुरबान करें अपनी जाति मफाद के लिए अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके तमाशा देखते रहेंगे इनको इस गलत फहमी में नहीं पढ़ना चाहिए और हम इनशा मैं अपना अलामल दूंगा और जल्दी दूंगा शुक्रिया बस मैं वैसे तो क्लोज कर रहा था बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच बस ये एक जी बोलो बहुत बहुत शुक्रिया बोलो तो असल में जो है हमारे पास एक क्यू में बैठे हुए शुएब निजामी ए आर वाई के रिपोर्टर है और वो काफी देर से वेट कर रहे थे तो एक सवाल अगर इफ जी, जी जी शुएद बोलो हाँ सर मुझे आप सुन सकते सुन सकते हैं जी जी शुएब बोले सर ये बताएं कि इस वक्त तकरीबन थर्टीन बिलियन डॉलर के लॉसेज हुए पाकिस्तान को फ्लड के बाद तो क्या अब हम इस बात की तो या कहीं पाकिस्तान में इस बात का इम्कान है कि चार्टर इकोनॉमी जो है उसको जो है उस पर बातचीत की जाए और जो पाकिस्तान के बेसिक मसाइल हैं उनके ऊपर जो है सियासत ना की जाए देखिए पहले तो ये एक चीज भूल जाए ना कि कोई सियासत कर रहा है कोई सैलाब के ऊपर सैलाब एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया हमारे ऊपर ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी कैपेसिटी में किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं जो मुतासर हैं लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी वो है सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट क्योंकि हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है सिंध में कोई मदद करने की हम आइन हमें इजाजत ही नहीं देता हम अपनी वैसे कैपेसिटी में काम करेंगे लेकिन असल में गवर्नमेंट्स का काम है ये जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है इस वक्त बड़े हम डी खान के अंदर बहुत बड़े मसले हैं राजनपुर के अंदर इस वक्त वहाँ भी बहुत बड़ी तबाही मची है और के पी के अंदर कई इलाके उनके हैं ऊपर चित्राल से लेके नीचे और जी बी के अंदर सो गवर्नमेंट्स ने लीड करना है हम अपनी तरफ से पा, पाकिस्तानी उसे पैसा चंदा इकट्ठा करके हम भी मदद करेंगे ख़ास तौर पर घर बनाने में असल में तो आ, लोगों को सर्दियाँ आ रही हैं लोगों को घर तबाह हो गए लेकिन जो सिंध के अंदर तबाही है वो तो गवर्नमेंट कर सकती है क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा गवर्नमेंट मशीनरी के बगैर होगा नहीं और फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है मेरे ख्याल में अभी तक मुझे कोई इनका रोड मैप नहीं नजर आ रहा मेरे ख्याल में इनमें नहीं नजर आ रही अगर सीरियसनेस होती तो क्या न्यूयॉर्क किसी को जाना चाहिए था क्या वहाँ न्यूयॉर्क में सबको वर्ल्ड यू एन के अंदर सारे मुल्कों नहीं पता कि पाकिस्तान के ऊपर अजाब आया हुआ है मुश्किलों का सामना करना इनको यहाँ रहना चाहिए था कंडक्ट करें ऑपरेशन दे, देखें क्योंकि वहाँ बीमारियाँ आनी है मुझे तो खौफ ये आ रहा है कि जिस तरह वहाँ लोग पड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर घर है नहीं मच्छर काट रहे हैं वहाँ पानी चारों तरफ है साफ पानी कई जगह नहीं है और, उनके पास मुझे तो ये भी खौफ है कि उनकी जब फसलें बह गई हैं उनके जो घर में दाने रखे होंगे वो बह गए हैं तो वहां तो बड़े मसले आने वाले हैं तो वो तो गवर्नमेंट को ड्राइव करना चाहिए इस वक्त ऑपरेशन सो तो इसलिए हमें हम पूरी मदद करना अपनी कैपेसिटी में करने के लिए तैयार है और हमें करनी भी चाहिए लेकिन ये ड्राइव करेगी फेडरल और सिंध की गवर्नमेंट शुक्रिया जी थैंक यू वेरी मच खान साहब थैंक यू वेरी मच खान साहब